हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो सुबह से मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे। तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये ब्लॉग बहुत लेट जाएगा, मुझे पता है। हो सकता है नवरात्रि भी निकल जाए तब जाएगा, क्योंकि मेरे ब्लॉग ना काफ़ी लेट चल रहे हैं और क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता, फिर मैं थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा। तो घर का सारा काम हो चुका है और अभी मैंने अपने लिए और लक्ष्य के लिए रोटियां नहीं बनाई हैं। मैंने पूजा कर दी थी, अच्छे से पूजा कर दी। सुबह में क्या हुआ था, रात में बेबी ने सोने नहीं दिया, रात में 2-2.5 बजे सोया, फिर मुझे नींद आई 3:30 बजे, फिर सुबह जल्दी उठना पड़ा और फिर हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इस वजह से फिर मैं जल्दी से नहाई, जल्दी से मैंने पूजा करी और उसके बाद मैंने अभी लड्डू खा लिया है, चाय वाय पी ली है। और कल रात में मैंने अपनी ना जो कैल्शियम की मेरी टेबलेट चलती है ना, वो खाना भूल गई थी, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी खा लेती हूँ, क्योंकि मैंने लड्डू भी खा लिया है। हाँ, अभी किसी का ख्वाहिश नहीं है क्योंकि मैं तो रख ही नहीं सकती, बेबी छोटा है, दूध वूध पिलाती हूँ ना, इस वजह से। तो लक्ष्य आज स्कूल गया और ऐसा पागल बच्चा, कभी आज नहा के नहीं गया था, डेली नहा के जाता था, आज नवरात्रि तो आज नहा के नहीं गया। बोले मम्मा सर्दी लग रही है, क्योंकि यहाँ पर 4-5 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है ना, तो नहा के नहीं गया। और उसका एग्जाम भी था, ऐसा कभी नहीं हुआ। बट मेरी भी हालत ख़राब थी तो मैंने भी उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा, वो चला गया तो मैंने गर्म पानी लगा दिया है, तो लड्डू और लक्ष्य दोनों नहा लेंगे, वो अपने हाथ से नहा लेगा। मेरी में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसको नहला पाऊँ। अनिल चले गए हैं ऑफिस और बस अभी सब्जी बन चुकी है, रोटी बनाना बाकी है, आटा लग चुका है, तो वो आएगा तो अपने लिए उसके लिए गर्म गर्म बना लूँगी। पहले मैं लड्डू को नहलाऊँगी, तब तक वो ना आएगा। और लड्डू महाराज अभी मैंने डायपर निकाल के उसकी थोड़ी सी ऑयल से मसाज करी है, मालिश करी है, एक्सरसाइज करी थोड़ी सी, और उसको खुला छोड़ दिया है, क्योंकि मैं जब भी डायपर लगाती हूँ उसके बाद मैं उसको खुला छोड़ देती हूँ कम से कम 2-3 घंटों के लिए। तो काफ़ी समय हो गया, जब नहलाऊँगी उसके बाद, जब तक जागेगा तब तक तो नहीं, लेकिन जब सो जाएगा तब तो उसको डायपर लगा दूँगी। क्योंकि फिर उस जब तक उसको डायपर नहीं लगाती हूँ, पहले मैं उसको लंगोटी लगाती थी, बहुत कम डायपर लगाती थी क्योंकि छोटा था ना, तब रैसेज हो जाते थे, बट अभी मैं उसको डायपर लगा देती हूँ दोपहर में भी। और क्या होता है ना कि दोपहर में जब जिस दिन मैं डायपर लगाती हूँ उस दिन क्या होता है कि अच्छे से सो जाता है, अगर मैं नहीं लगाती हूँ तो सारा दिन हो जाता है, ये सोता ही नहीं है। और आज रात में तो उसने बहुत तंग किया बड़े दिनों बाद, क्योंकि कल मैं और अनिल दोनों बोल रहे थे कि अब बेबी परेशान नहीं कर रहा, अब बेबी तंग नहीं कर रहा है, वरना हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती। तो बस कल रात में ही हम दोनों की नज़र लग गई, मुझे ऐसा लग रहा है, तो सारी रात इसने तंग किया बहुत ज़्यादा, और मेरी कमर में इतना दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो चलो मैं टैबलेट ले लेती हूँ वरना भूल जाऊँगी। और बेबी को मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि नंगू पंगू डले हुए हैं भाई लड्डू महाराज। मैं वेट कर रही हूँ, वरना अभी तक तो मैं लड्डू को नहलाने ले जाती, क्योंकि फिर लक्ष्य आ जाएगा, फिर मुझे बाथरूम में से आना पड़ेगा, इसलिए देखो उसकी इतनी आवाज़। तुमसे कौन बात कर रहा है? तुमसे कोई बात नहीं कर रहा है, ठीक है गंदा बच्चा, मुझे रात भर सोने नहीं दिया। उसे बात करते हैं ना, कल मैं लक्ष्य को डांट रही थी ऐसे ही और उसकी मालिश कर रही थी, तो इसको क्या लगा मुझसे बात कर रहे हैं, तो इतना हंस रहा था जोर जोर से। मैंने लक्ष्य से ये बोल दिया कि बड़े भैया पे डांट पड़ रही है ना, तो इसलिए लड्डू हंस रहा है, तो लक्ष्य नाराज हो गया। आवाज सुन रहे इसकी, अभी ठीक ठाक है, और अभी देखो रोना स्टार्ट कर देगा, शाम होती रोना स्टार्ट हो जाएगा इसका, हे भगवान। बीच में ना कुछ दिन बहुत सही चला था यार, ये रोता नहीं था, जागता था ना तो हंसता रहता था, भूख लगती थी तभी भी रोता था, बट अभी देखो आज तो कर दी भगवान, आज ऐसा बस आज ही करे वो भी ठीक है, आगे चल के ऐसा ना हो। चलो पूजा हो चुकी है और हमारे यहाँ मम्मी के यहाँ मतलब मायके में जोरा में बहुत अच्छी नवरात्रि लगती थी। इस टाइम पे पंडाल लगते थे, डांस होते थे, पुराने ज़माने की बात ही अलग थी, मतलब पुराने ज़माने तो नहीं जब हम छोटे छोटे थे, अब तो वो माहौल ही नहीं है यार, लड़कियों को ही ना तो भेजता है और माहौल बहुत ही ख़राब है, इसलिए कोई नहीं भेजता। पहले तो अकेली चली जाती थी रात में 10-10-11 बजे तक, वहाँ पर डांस होते थे, सब जाती थी, बहुत अच्छा लगता था। जो लोग जोरा से हैं वो मुझे कमेंट करके बताना, मैं तो बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। अभी क्या मिस करूँगी, क्योंकि पुराने उसको अपने समय को मिस करती हूँ, क्योंकि अब तो वहाँ पर ये सब होता ही नहीं है, पंडाल तो लगती हैं लेकिन दर्शन करके तुरंत आ जाते हैं, ना कोई अपने बच्चों को भेजता है और ना ही ये सही है, क्योंकि आजकल ज़माना ही बहुत ख़राब हो गया, बहुत बदल गया है सच बताऊँ तो। चलिए लक्ष्य का वेट करती हूँ, आते ही लड्डू को नहलाती हूँ। तो समय हो रहा है 2:20, बेबी सो गया है, नहला के मैंने उसको सुला दिया है, रोटी अभी नहीं बनी है, बस रोटी बनाने ही जा रही हूँ, कपड़े वॉश कर दिए हैं, दोनों बाथरूम साफ़ कर दिए हैं, पैरदाने वॉश करके डाल दिए हैं,
अभी मशीन में कपड़े निकल रहे हैं क्योंकि बारिश तो बंद हो गई, आज बारिश बिल्कुल नहीं हो रही, धूप निकल रही है, बाहर कपड़े डालूंगी। बट जब मैं मशीन में निकाल देती हूँ ना तो फिर क्या होता है कि जल्दी सूख जाते हैं कपड़े, तो फिर अगर बारिश हुई भी ना तो फिर स्मेल नहीं आती अंदर डालते हैं तो बहुत सारे काम हैं छोटे मोटे, वो मैंने कल भी रात में बहुत करे थे। 11 बजे मैंने किचन के जितने भी सारे कपड़े होते हैं ना, पहले मैं एक दो दिन छोड़ के, एक दिन छोड़ के मैं साफ़ करती थी रात में, बट अभी एक दिन छोड़ के नहीं हो पाते हैं। अब तो 5-6 दिन में किचन के जो कपड़े हैं ना वो साफ़ हो पाते हैं धुलती हूँ मैं। तो कल मुझे याद आया कि किचन के कपड़े 5-6 दिन हो गए धुले नहीं हैं, तो कल किचन के कपड़े धुले थे रात में, बेबी की जो लंगोटे वगैरह होते हैं वो धुले थे, और जो भी बाल्टी टब, मतलब जब से मैं प्रेग्नेंट हुई नहीं, मतलब जब से मेरी डिलीवरी होने से पहले मैंने वॉश करे थे अच्छे से। अरे बाल्टियों में पानी भरा रहता है, अपन नहाते धुलते हैं ना तो फिर वैसी हो जाती हैं थोड़ी, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं बाथरूम में जा रही थी तो मैंने अच्छे से ब्रश से रगड़ रगड़ के साफ़ करी, उस वाली बाथरूम का सिंक साफ़ करके आई हूँ, इस वाली का मैंने कल कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें छोटी मोटी होती है ना, ये बहुत टाइम ले लेती हैं। तो चलो कपड़े भी मेरे सूख चुके हैं, इनको डाल देती हूँ। मेरी कमर में इतना दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों, बैक पेन तो होता ही है। चलो उसमें डाल देती हूँ, चोटी मैंने करी नहीं अभी तक। डेली एक बाल्टी कपड़े तो हो ही जाते हैं, बेबी के, मेरे, लक्ष्य के वो वाले कपड़े डेली जो पहनता है ना, टी शर्ट लोवर वगैरह, वो मैं वॉश नहीं करती हूँ, वो मैं जब मशीन लगाती हूँ ना उसमें वॉश हो जाते हैं, जो वाइट कलर की होती है ना टी शर्ट वगैरह, उनको फिर मैं वॉश कर देती हूँ, कभी अनिल कर देते हैं। अनिल कपड़े अपने अभी खुद ही वॉश कर रहे हैं, मैं उनके कपड़े वॉश नहीं कर रही हूँ, मतलब शर्ट कर रहे हैं, शर्ट टी शर्ट वगैरह पैंट तो उनके मशीन में ही वॉश हो जाते हैं। लेकिन हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, इस टाइम पे हमें फील हो रहा है कि हमें ऑटोमेटिक मशीन लेनी चाहिए थी, जिससे बार बार कोई आए जाए पानी चलाए, बहुत ज़्यादा झंझट रहते हैं भाई। तो अगर आप लोग मशीन लेना चाहते, ये वाली मशीन वैसे ठीक है पैर लाने वगैरह वॉश करने के लिए, चादर और कंबल के लिए अच्छी है ये वाली मशीन, और वैसे नॉर्मल अगर आप हो, नॉर्मल हो डिलीवरी के टाइम पे ये नहीं काम आती भाई, अगर आप नॉर्मल इंसान हो तो चलते फिरते, क्योंकि इससे क्या है कि थोड़ी एक्सरसाइज भी होती रहती है उसके लिए सही है। बट ऑटोमेटिक तो भाई इस टाइम पे बहुत काम आने वाली है। अब अनिल तो बोल रहे थे कि तुम बोलो तो मैं ले लेता हूँ ऑटोमेटिक, नहीं दो दो मशीन का फिर हम करेंगे भी क्या, देखो घर का मकान होता है तो अलग बात है ना, अब रेंटेड हाउस में क्या क्या लें, पूरा वैसे भी फुल हो चुका है, फिर सफाई के लिए भी ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं। चलो मैं एक बार पैपर और मार दूँ बाथरूम में और ये कपड़े सुखाने के लिए डाल दूँ, फिर जाऊँगी किचन में खाना बनाने के लिए। हे एवरीवन, गुड इवनिंग, समय हो रहा है 6:30, अनिल आ गए हैं ऑफिस से, तो बस उन्होंने हाथ पैर धुल के अपने लैपटॉप ओपन कर लिया है, क्योंकि वो बेबी की वजह से जल्दी घर आ जाते हैं, लेकिन घर आने के बाद भी काम करते रहते हैं। तो बस मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए, किसी दिन अनिल बनाते हैं किसी दिन मैं, तो कल अनिल ने बनाई थी तो आज मैंने बोला कि मैं बनाती हूँ, आप बेबी के पास बैठना। तो अनिल बोल रहे थे कि आज उनकी भी नींद पूरी नहीं हुई, उनकी खैर हो गई है, मेरे से तो ज़्यादा हो गई थी, बट मैं अभी ना 4:30 से 6 बजे तक सो ली थी। तो अनिल बोल रहे थे कि मेरा दिल नहीं कर रहा काम करने का, तो बस मैं भी सोच रहा हूँ सो लूँ, तो मैं उनसे बोल रही थी मैं झट से चाय बना के लाती हूँ, फिर चाय वाय पीते हैं फिर तभी सोना आप। और ये दोपहर मतलब सुबह के बर्तन हैं, इनको मैं साथ में ही चाय बनाती हूँ, इनको सेट करती हूँ, क्योंकि हेमा 7 बजे आती है तो फिर क्या होता है ना कि फिर कर जाएगी बर्तन चाय वाय के, फिर हमारे डिनर के बचे रहते हैं बस। तो ये सारी एकदम क्लीन है, मैंने अभी किचन का झाड़ू लगा दिया है क्योंकि मैं थोड़ा हो जाता है कचरा वगैरह। तो चलिए बना लेते हैं हम लोग चाय, मैं कर देती हूँ बर्तन सेट, और थोड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों बाद मैं सोई हूँ दिन में, वैसे मेरा व्रत नहीं था, व्रत होता है उस दिन नहीं सोना चाहिए, बट मेरा व्रत था नहीं, और मैं बहुत दिन से परेशान भी थी क्योंकि नींद पूरी नहीं हो पा रही थी रात में, दिन में भी नहीं सो पा रही थी, बट फाइनली आज बेबी सो गया था तो मैं भी सो गई, क्योंकि आज बेबी को अच्छा फील हुआ, मैंने उसको नहला दिया था ना इसलिए, लक्ष्य मैं बेबी हम तीनों सो गए, अनिल आए जब हमारी, मतलब अनिल के आने से थोड़ी देर पहले ही मेरी नींद खुल गई थी। तो चलिए बना लेते हैं हम लोग चाय, मुझे बर्तन भी लेके आने हैं, उस वाले रूम में बर्तन भी रखे हैं, सारे इकट्ठे करके रखने हैं मुझे। लाइफ अच्छी चल रही है, बस अगर बेबी परेशान ना करे तो। अपना हेडफोन भी लेके आ गई हूँ क्योंकि मुझे देखना है अपना ब्लॉग, मैं इस तरीके से देखती हूँ ब्लॉग किचन में, साथ में फ़ोन लेके आती हूँ, हेडफोन लेके आती हूँ और आराम से अपना ब्लॉग देखती हूँ। हाँ उठाओ 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 और उठाओ, अभी नहीं पहुँचा,
उठाओ 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 उठाओ, ये वाला उठाना, ये वाला उधर, वो हाथ से उठा रहा है उधर वाला, ये वाला उठाना, ये वाला, हाँ उठा, ऊपर ऊपर। अच्छी आदत थोड़ी है जिसको तुम बच्चे को आदत लगा रहे हो। गर्दन दर्द कर रही है, उठाओ 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 उठाओ, मेरी गर्दन उठाओ उठाओ उठाओ। नहीं उठाना, परेशान हो गया, झाग निकलना शुरू हो गए तेरे, अब छोड़, परेशान हो गया। बात करो उससे, बात करो तेरे को। ये क्या है, उससे उससे मजे आ रहे हैं, उससे मजे। अब उसका रिएक्शन देखना मेरे दिन का। जाऊं मैं, चल बाय, तू अभी मत आना है, 5 मिनट। लक्ष्य को ये पढ़िए कब जा रहे हैं पापा। 5 मिनट तक नहीं आना, ठीक है, चल बाय, मैं जा रहा हूँ, है बाय। देखना 5 मिनट तक, 5 मिनट का कैंडल। पापा कहाँ गए बेबी? अब कुछ मत कहो। हाँ देखो देखो, कहाँ गए पापा? इसने थोड़ी देर पहले इतनी उल्टियाँ करी हैं, इतनी उल्टियाँ करी हैं कि नाक में से मुंह में से बहुत ज़्यादा उल्टियाँ करी हैं। अभी मुझे कपड़े भी वॉश करने हैं, इसके बहुत सारे कपड़े हैं सारे, फिर मैंने इसके कपड़े चेंज करके नहला तो सकती नहीं अब शाम के टाइम, तो मैंने अभी क्या किया, सारे गर्म पानी करके लाए अनिल, तो उसको मैंने अच्छे से पोंछा और उसकी मालिश करी, उसके बाद मैंने इसको लिटा दिया, मैं इसको दूध नहीं पिला रही। इसको तो जब तक रोएगा नहीं तब तक दूध नहीं पिला रही हूँ, पता नहीं क्या हुआ यार इसको, अचानक नाक में से इतना इतना दूध, क्या होता है। मैं तो डर गई थी, अनिल सो गए थे, थोड़ा उनके सर में दर्द हो रहा था तो मैं बहुत डर गई। अब तो तुम्हें अच्छा लग रहा है, यही बड़ा होके देगा ना, फिर तुम ये मेरी लात दे रहा है, ये अच्छी आदत सिखा रहे हो तुम दोनों बाप बेटे इसको। उठा 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 मेरे पैरों, उठाएगा तो फिर क्यों उठा रहा है, क्यों उठा रहा है? ओ भाई मेरे नाक में क्या किया जा रहा है भाई। नाखून कट कर दिए इसलिए, नहीं तो बहुत लगती दोनों के मुंह पे। अच्छा रुक जा, मुझे मजे। तो फाइनली आज डिनर में बने हैं पोहा, क्योंकि आज पोहा खाने का दिल था, बहुत टाइम हो गया, महीनों बाद मैं पोहा खा रही हूँ, महीनों बाद, यानी प्रेगनेंसी मतलब कि 9 मंथ में खाए थे ना शायद, मुझे याद नहीं है, और अब खा रही हूँ, बट अब मेरी नॉर्मल डाइट स्टार्ट होगी, मैं कुछ भी खा सकती हूँ ज़्यादा खट्टा छोड़ के। और इन दोनों को देख लो, ये दोनों यहाँ बैठ के खा रहे हैं, कुछ भी मतलब, अरे मतलब जो पहले खाती थी वो सब कुछ, समझ रहे हो, ये लक्ष्य और ये मैं और ये मेरा बाबू बेचारा डला इधर। तो डिनर हम लोगों का हो चुका है, डिनर में आज किसी का भी खाना खाने का दिल नहीं था, तो हमने बनाए थे पोहा। कभी कभार ऐसा होता है ना, आप लोग बताना कि डिनर में कुछ मत खाओ, रोटी सब्जी सिर्फ पोहा या वैसी कुछ चीज़, पास्ता वगैरह ऐसी चीज़ खाओ, बट मैं पास्ता मुझे ज़्यादा पसंद है नहीं, तो बहुत टाइम बाद हमने पोहा खाए थे। और अभी अनिल चले गए हैं बाहर, क्योंकि वो डेली जाते हैं खाना खाने के बाद बाहर घूमने के लिए, तो वो चले गए हैं और इसी टाइम पर वो दूध लेके आते हैं सुबह के लिए। और यहाँ पर मैं बेबी को घुमा रही हूँ, क्योंकि उसने उल्टियाँ करी हैं ना, तो उसको भी थोड़ा अच्छा फील होगा, मैंने भी खाना खाया है तो मैं भी घूमती हूँ, डेली मैं इस तरीके से उसे घुमाती हूँ और मैं भी घूमती हूँ साथ में। बट अभी मुझे कैसा फील होता है ना सी सेक्शन के बाद, जब मैं घूमती हूँ तो जैसे मैं गिर जाऊँगी, मुझे चक्कर आ रहे हैं बहुत उस टाइप से अंदर से, पता नहीं, मैंने अनिल से बोला था तो बोले थे डॉक्टर के पास चलेंगे शायद अंदर से कमजोरी जैसी, बट मैं अच्छे से सब कुछ खा पी रही हूँ, डॉक्टर ने मुझसे बोला है सब कुछ खाओ पियो, बट पता नहीं फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है। अनिल बाहर से आ गए थे और यहाँ पर बेबी का फीवर चेक कर रहे हैं, क्योंकि उसका सर ना थोड़ा सा गर्म लग रहा था, तो यहाँ पर चेक कर रहे थे, तो मैं इनसे बोल रही थी कि आप उल्टा लगा रहे हो, ऐसे नहीं लगाते हैं इसको, तो बोल रहे थे कि नहीं ऐसे ही लगाते हैं, तो हम दोनों ऐसी बातें कर रहे हैं आपस में। अनिल ने अपना भी चेक किया था तो उनको भी नहीं है और बेबी को भी फीवर नहीं निकला है, ऐसे ही थोड़ा बहुत गर्म हो रहा होगा, क्योंकि मौसम थोड़ा चेंज होता रहता है ना इसलिए।